हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। आज का जो चैप्टर है पॉलिटी का, ये है आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ हम बेसिक से जानेंगे कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक कर्तव्य हैं और उनमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कई बच्चों का ये कहना है कि जो टेस्ट है वो हिस्ट्री का हमारा कब लेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, दीपावली के तुरंत बाद ही आपके टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी जो है वो करिए, बार बार वीडियो को सुनिए। आपके जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन के साथ ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं करना है। जब हम अपनी तैयारी यहाँ 100% करेंगे तभी तो हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए आप तैयारी जो है वो अपनी फुल रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, 1928 में किस रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो यह नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह किस न्यायालय में सीधे शिकायत कर सकता है। तो यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे जा सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दोनों ही कोर्ट में वो जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, पहले 7 थे लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। तो हम जानेंगे कि कौन सा अधिकार जो है वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो आते ही हैं। फर्स्ट है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखिए, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ तक आपके क्या है, समानता के अधिकार हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 9th क्लास में हमारा संविधान चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ केवल आपको ये जानना है कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो यह अनुच्छेद जो 31 है वह यहाँ पर नहीं है, वही था संपत्ति का अधिकार जिसे कि वहां से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से जो प्रश्न है वो, यहाँ से भी एक प्रश्न कैसे उठता है वो ये उठता है कि अनुच्छेद 17 में कौन सा अधिकार जो दिया गया है। ठीक है, या अनुच्छेद 17 में जो अधिकार दिया गया है वो हमारे किस अधिकार के अंतर्गत आता है, समानता के अधिकार के अंतर्गत या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। जैसा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 17 में है। और किसके तहत है वह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ये उठता है, इसलिए यहाँ आप बिल्कुल अच्छे से इनको याद कर लीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30, 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। चलिए, हमारा उद्देश्य है कि हम वीडियो में ही कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो यहीं पर लर्न कर लें। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके कितने वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो यह 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और यह कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं लेकिन इनको किसी ऐसी कंडीशन में सीमित या निलंबित किया जाता है, और वो कंडीशन आती है आपातकाल। आपातकाल की परिस्थिति में मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं और सीमित हो जाते हैं। कुछ अधिकार जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे,
जो कि कभी भी निलंबित नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड है सीमित, यानी कि वो कम हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किन परिस्थितियों में किया जाता है? आपातकालीन स्थिति में। क्वेश्चन 6, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में हम किस अधिकार के तहत शरण ले सकते हैं? तो ये हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके तहत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये क्या है? संवैधानिक, यानी कि संविधान में उपचार, हमारे मौलिक अधिकारों का उपचार करता है यह वाला अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? तो लास्ट जो क्वेश्चन था उसका मतलब यही है कि यह जो अधिकार है ये हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन 7, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे, उसमें एक जोड़ दिया गया और वो 11 हो गए। अब वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं, कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, संविधान की पालना करनी है, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करना है। फिर हमें जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हमारे लिए आंदोलन में क्या क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इन सभी जो आदर्श हैं इनको हम क्या सुने और सुनाएं और अपने हृदय में संजोए रखें। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। जब हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं तो हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम इन कर्तव्यों का पालन करें, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो मौलिक अधिकार दिया गया था 86वें संविधान संशोधन में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो उसके लिए माता पिता के लिए भी यह कर्तव्य बनता है कि वो इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। थोड़ा सा कीवर्ड पकड़कर इनको याद करिएगा। फर्स्ट में देखिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सेकंड में राष्ट्रीय आंदोलन, थर्ड संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसके बाद देश की रक्षा, समान भ्रातृत्व, गौरवशाली परंपरा, प्राकृतिक पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों और अभिभावकों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसके लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इस तरीके से कीवर्ड पकड़कर इनको याद कर सकते हैं, एक दो बार इनको इनको पढ़िए जिससे कि याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराए जा सकते हैं, इसका संबंध है तो यह किस फंडामेंटल राइट में है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। आपको पता होना चाहिए कि हम क्लास 8 को कर रहे हैं, तो इसी तरीके से प्रश्न जो है वो होंगे, और जैसे ही क्लासेस बढ़ती जाएंगी इनमें फैक्ट ऐड होते जाएंगे और थोड़ा सा लेवल जो है वो भी हाई होता जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।